फैमिली गाइस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज दिवाली का दिन, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह से सिर्फ हम लोग किचन में थोड़ा काम कर रहे थे, अभी अभी फ्री हुई हूँ मैं, तो अभी जाते हैं हम लोग जल्दी से रंगोली बनाते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है और सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं। एंड इट्स तो हमने रंगोली अभी सेलेक्ट कर ली है और मैं नीचे आ गई हूँ। तो रंगोली का डिज़ाइन है, एक फ्लावर है और उसमें एक दिया है, वो दिखाते हैं आपको। ये है डिज़ाइन फ्लावर का और अभी हमें इसमें कलर करना है। और यहाँ पे बहुत सारे कलर रखे हुए हैं तो अभी हम इसमें कलर करेंगे। तो 100 रुपये में मैं 100 रुपये में दे सकती हूँ। ये पूरा पैकेट 100 रुपये का है। बहुत लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते थे बट कुछ बन ऐसे रहा, पता नहीं होगा कि नहीं ठीक। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने कलर कर दिया है। हम दोनों मिलके कलर कर रहे हैं, नहीं हो रहा हमसे ऐसा। काकी को बुला। पाइसो, अरे अपन पत्तियों में कलर कर देते हैं जब तक। हाँ बेटर है। हाँ देखना हरा, वो तो और भी ठीक है। नहीं एक तरफ हरा है। मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है पूजा के लिए और मेरे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी रेडी होना है। तो मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। क्योंकि हम लोग बंगाली तो आज के दिन हमारे यहाँ पे काली जी की पूजा होती है, तो हम लोग मंदिर गए थे। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, जहाँ बैठ के हमने पापा मम्मी और मैंने पूजा की है। इसके बाद हम लोग घर रिटर्न आ गए थे। फिर मेरे को दीप लगाना था क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने दीप लगाए मेरे हस्बैंड की शॉप। सब कुछ इतनी ज़्यादा जल्दी हो रहा था ना कि मैं आपको दिखा ही नहीं पा रही थी और ना ही ब्लॉग कर पा रही थी। तो अभी मैंने सारे जो दीपक वगैरह है वो सारे लगा दिए सारे घर में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे दीपक लगाए और हमारे यहाँ क्या डेकोरेशन हुआ है, क्या रंगोली हुई है, घर कैसे सजा हुआ है, एवरीथिंग। और अभी मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी पहन के मुझसे बिल्कुल साड़ी संभाल रही हूँ या तो दीपक संभाल रही हूँ, अब मुझे फोड़ने हैं फटाके। तो मैंने सोचा अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, तो मैं जल्दी से ऊपर आई, ड्रेस चेंज किया, अभी और भी दीपक लगाने। तो चलो चलते हैं और दीपक लगाते हैं। और अभी मैं ऊपर आई हूँ ऊपर के दीपक लगाने के लिए। फटाके इतने ज़्यादा फूट रहे हैं ना यहाँ पे कि मेरा साउंड पता नहीं आप तक आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। मेरे पास ऐसे क्यूट कैंडल्स भी है छोटी छोटी, तो अभी मुझे यहाँ पर पूरी जगह पे लगाना है टेरिस पे, तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। मेरा कैंडल लगाना और दिए लगाना ही ख़त्म नहीं हो पा रहा है, पटाखे पता नहीं मैं कब फोड़ूंगी। तो सबसे पहले मैं कैंडल लगा लेती हूँ। मैं कितनी देर से ये बोल रही हूँ कि मुझे बस कैंडल लगाने का काम करना है, कैंडल लगाने का काम करना है, बट अभी भी मेरा कैंडल लगाने का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं उठती हूँ और कैंडल लगाती हूँ, बुझ ही गया उठते उठते तक। ओके सो लेट मी शो यू दिवाली डेकोरेशन। ऐसे ही हम लोग एंटर करते हैं घर के अंदर, तो बाहर एक रंगोली थी और ये रहा हमारा घर। जैसे हम लोग थोड़ा अंदर एंटर करते तो बीच में ये एक और रंगोली थी जो चाची ने बनाई थी, ये एक और रंगोली है जो पल्लू ने बनाई थी, ये मेन रंगोली है, थोड़ी फूल की रंगोली है। मेनली डेकोरेशन चाची ने किया था एंड बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट्स और बहुत सारे प्यार के साथ हमने अपने घर को सजाया। एंड आई होप आपको ये घर का डेकोरेशन काफ़ी पसंद आया। होने वाले हैं पल्लवी तो फोड़ ही रही है, थोड़ा वो तेज बजने वाला बम फोड़ो। अब ने सारे बम इकट्ठा रख लिए एक साथ फोड़ो यहाँ पे। ओए देख के रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक। हाँ ये बड़ा रार फोड़। हैप्पी दिवाली। और आपने डेकोरेशन तो देख ही ली होगी। ये देखो ये है घर और यहाँ से है एंट्रेंस। यहाँ पे मैंने इतने सारे दीपक लगाए थे सारे बुझ गए, बाकी अंदर के ये दो जल रहे हैं। अभी हम थोड़ा स्पेस कर रहे हैं यहाँ पे फटाके फोड़ने के लिए, इसलिए गाड़ी अंदर रखी जा रही है। अभी सब लोग आएंगे, चाची वगैरह भी। इतना लेट तैयार होते हैं ना, इतना लेट की पूछो ही मत। चाची सबसे ज्यादा लेट तैयार होती है, बड़ी मम्मी तो ऐसे तैयार होगी है, मेरे हस्बैंड से भी पहले तैयार होगी है। तो अभी हम लोग फोड़ेंगे फटाके। एक एक घंटा बचता है ये। ओए उसको हटा लेना। बोला, 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 बोला।
भी नहीं जला लाफा बज गया लाफा बज गया लाफा मेरे को दो अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए कहीं पे और इनवाइट था हमको वहाँ पे और अंदर घुसने के पहले हम लोग फोड़ रहे हैं बम ताकि उनको पता चल जाए कि हम लोग आए हैं बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अभी हमने वहाँ पे अपने घर पे थोड़े कम फोड़े हैं और यहाँ पे ज्यादा फोड़ने वाले हैं अभी दिख नहीं रहा है इधर ही पास में मत फोड़ देना हम लोग भाग कुछ दिख ही नहीं रहा है इधर हम भाग ही नहीं पाएंगे मेरे फ्लैश लाइट की वजह से और नहीं दिख रहा है जलाओ ना जल्दी अरे कितना टाइम लगा रहे हो घर के सामने जलाने वाले घर के सामने देखा और ये कूली बनी है क्योंकि हम इस बोरे में लेके आए बम किसी बोरे में लेके जाऊंगी हाँ। टाइम बम टाइम फोड़ोगे क्या टाइम लगेगा इसलिए मैं बोला अभी तक नहीं फूट रहा है नहीं 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 हो पाएगा तुमसे आ जाओ माचिस ही खराब माचिस का नाम लगा दिया फूट नहीं रहे तो फाइनली काफी टाइम से हम लोग यहाँ पे फटाके फोड़ रहे थे आधे फटाके हम लोग फोड़ चुके थे बहुत ज्यादा मजे आए हमको फटाके फोड़ने में अब हमें अंदर जाना चाहिए यहाँ पे 3-4 फैमिलीज इकट्ठा हुई थी सबसे हमने ब्लेसिंग्स ली है जैसे ही मैं अंदर गई थी यहाँ पे पापा और अंकल बैठ के बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ बच्चे डिनर कर रहे थे और बाकी जितनी भी मम्मी बड़ी मम्मी लोग थे वहाँ पे यहाँ पे हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की किचन में काम कर रहे थे बेसिकली मम्मी पूड़ी बना रही थी बाकी सब लोग लोई बना रहे थे और हम लोग यहाँ पे फटाके फोड़ रहे तो हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा मज़े आए फेस्टिवल का यही तो मज़ा होता है कि सब लोग साथ में रहते हैं साथ में इंजॉय करते हैं और बहुत सारा खाना खाते हैं यही तो एक फेस्टिवल होता है एंड वी इंजॉय इट अलॉट आपने उल्टे काम भी किए जैसे कि चक्री हाथ में लेके फेंकना तो बी केयरफुली यहाँ पे मेरे हस्बैंड फेंक रहे थे और जस्ट उनके हाथ में ही लग रहा था बट वो उनकी प्रैक्टिस थी इसको, इसको? एयर बैलून एयर बैलून हाँ यार एयर बलून मेरा पति देव एयर बलून लगे पहली बार देख रहा हूँ हाँ और जेटू गाइड कर रहे हैं ये रहे जेटू बाकी सब लोग दर्शक है एक ही है के पीछे जलेगा कि नहीं पूरे घुसा अंदर अरे मेरे को डर लग रहा है टूट ना जाए पीछे से कर उसको लगा कोने में लगाओ कोने में वन टूट रहा क्या फेल वन टू और ये तीन तीनों ने मिलकर फेल कर दिया मैंने नहीं लगाया फेल अब मिशन टू की तरफ इधर फेल ये मिशन वन मिस वंदना दास ने फेल खुद फेल करके हाँ मिसेस हाँ भूल गए कि शादी हो गई बाय बाय हैप्पी दिवाली बड़ी मम्मी खाना बांट रही है हम लोगों को बाकी जनता यहाँ पे बैठी है खा लिया आप लोगों ने कैसा लगा और जो मैंने दिन सुबह कोफ्ता बनाया था ये वो है धुआ ही धुआ दिख रहा है बस मैं इतना देख सकते हो मेरा अभी अभी अब टाइम देखो तो 4 बज गया मेरे को इधर घड़ी भी नहीं है तो अभी है दिवाली का ये दूसरा दिन अभी शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए भूल भुलैया और आज फर्स्ट डे है रिलीज होने का बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं हम लोग तो चलो चलते हैं मूवी देखने काफी ज्यादा मजा आएगा रिव्यू मैं आपको मूवी देखने के बाद दूंगी लेट्स आउट तो बहुत है लेट्स सी मूवी कैसी होती है Oh.
सबसे बकवास ये मूवी से अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा देख लेते। अच्छा था, बहुत ही अच्छा। चिंटू मूवी रिव्यू आप मत ही जाओ मेरे तरफ तो आप ट्राई करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो आगे बढ़ो। मतलब उससे अच्छा तुम अपने घर पे जिसका शक्ल नहीं देखना चाहते उसको देख लो और अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चिंटू, इससे अच्छा तो स्त्री टू, स्त्री थ्री रे, स्त्री टू नहीं, स्त्री टू, सॉरी सॉरी। मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, दो बार तो मैंने झपकी ले ली थी जबकि हम लोग नींद आ रही थी। मैं तो चमक के उठा दो बार, सो गया था मैं। अभी हम लोग घर जाएंगे और चिली चिकन खाएंगे। मेरे को लग रहा है चिंटू का साबुन स्लो नहीं, बंद हो गया। अगर नहीं खाया ना फिर बताना।